लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बांदा के नगर पालिका अध्यक्ष की वित्तीय अनियमितता के आरोप को लेकर सभासदों के द्वारा अशोक लाट परिसर में आज पांचवें दिन के अनशन पर नगर पालिका अध्यक्ष की शव यात्रा निकालते हुए नारेबाजी की गई। वहीं अनशन स्थल पर आज पांचवें दिन में सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा पहुंच करके कुछ मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए अनशन को तोड़वाया गया। नगर पालिका अध्यक्ष मोहन साहू के खिलाफ नगर पालिका के ही सभासदों के द्वारा अनशन प्रारंभ किया गया था। आज पांचवें दिन के अनशन पर सभासदों के द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष मोहन साहू की शव यात्रा निकाली गई। वहीं अनशनरत सभासद राजेश गौतम द्वारा 6 सूत्रीय मांगों को लेकर वे अनशनरत थे। सिटी मजिस्ट्रेट सुरेंद्र सिंह ने अनशन स्थल पर पहुंचकर अनशनरत सभासद राजेश गौतम से बातचीत करने के उपरांत उनकी कुछ मांगों को गौर करते हुए अनशन को तोड़वाया और मीडिया को बताया कि सभासद की कुछ मांगे जो कि गंभीर और वास्तविक है। वहीं राजेश गौतम सभासद ने बताया कि अनशन का मेरा आज पांचवा दिन है, मेरी 6 सूत्रीय मांगे थी, जिन मांगों को मानते हुए सिटी मजिस्ट्रेट और नगर पालिका के द्वारा अनशन स्थल में आकर के मेरी मांगों को मानते हुए अनशन को तोड़वाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। देखिए, ये सभासद कुछ लोग अपनी मांगों को लेकर अनशन किए थे और इनकी कुछ मांगें जायज भी हैं और इन पर कार्रवाई चल रही है। तुरंत जो नियम के तहत है उनकी मांगों को हम लोग बिल्कुल बहुत तुरंत गति से पूरा करेंगे और उनकी कार्रवाई भी करेंगे। और जो जांच के बिंदु हैं वो हम लोगों ने मतलब पहले जाँच गई है, मतलब उनके शासन को डीएम साहब तरफ से रिमाइंडर होने द्वारा करवाए। कुछ जाँचें लंबे थे, उनको भी हो सकता है 15 दिन के अंदर हम लोग जाँच पूरा करें। एक है बाद में समानता से कार्य कराया जाए, ये बोर्ड प्रस्ताव पास करता है, हम लोगों की बाध्यता है। बोर्ड जो प्रस्ताव पास करेगा उसमें डीएम साहब का अनुमोदन होगा, उसको कोई गलत होगा तो उसको हटा देंगे, जो सही होगा करेंगे। आप लोगों से मैंने दोनों तीन प्रस्ताव वो मांग लिए हैं क्या क्या बार्डों में होना है, उनको बहुत ही सत्यापन कराएंगे, उनको मान्यता पहले होगी तो उनको उसको लेंगे जो अभिप्राय होगी, ये सब चीज़ें हैं। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।